एंड वेलकम टू मनी गुरु. मैं हूं स्वाति रायना और हर शुक्रवार की तरह आज हम बात करेंगे वुमेन स्पेशल के, मतलब कैसे आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट वुमेन बन सकती हैं. और कुछ खास एरियाज में हमारा आज फोकस रहेगा, जैसे कि करोड़पति आप कैसे बने, क्या आपकी रणनीति बननी चाहिए, रहनी चाहिए, एक करोड़ का कॉर्पस अगर इकट्ठा करना है, पोर्टफोलियो बनाने की ABCD क्या है, कैसे शुरुआत की जाए, नए निवेशक के लिए हम बहुत ही गोल्डन टिप्स आज देने जा रहे हैं, और बेटी की शादी की प्लानिंग कर रही हैं तो कैसे अपना पोर्टफोलियो आप सेट करें, इस पर भी चर्चा करेंगे. तो इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए और दर्शकों के सवाल के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं किरण तिलांग, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर. किरण, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में. कैसे हैं आप? थैंक यू स्वाति, आई एम हैप्पी टू बी हियर. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस मनी गुरु के एपिसोड में आपने मुझे इनवाइट किया है. ऑल राइट, कई ऐसी महिलाएं हैं किरण जिनको जरूरत है एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की, और कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो तो बना लिया है, गोल भी सेट कर लिया है, लेकिन कैसे आगे बढ़ें वो ये जानना चाह रही हैं. और ऐसे ही पहले हमारे जो कॉलर हैं वो है मुंबई से पारुष मिश्रा. इनफैक्ट उन्होंने हमें मेल पर भी अपना सवाल भेजा है और इन्होंने अपने लिए एक टारगेट भी सेट किया है. अब इनके बारे में थोड़ा हम बताएं तो इनकी उम्र है 31 साल और इनकी एनुअल इनकम है 12 लाख पर एनम. अब 12 लाख रुपए कमा लेती है सालाना. अब एक इन्होंने जो गोल अपने लिए सेट किया है वो है 20 साल में करोड़पति बनने का. अब 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तो इकट्ठा 20 साल में करना चाहती हैं ये, लेकिन क्या इन्होंने ऑलरेडी कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है ये इनके मेल में क्लियरली मेंशन नहीं है. इसलिए दर्शकों से हमारी अपील रहती है कि प्लीज अगर कुछ ऑलरेडी निवेश किया हो तो हमें जरूर बताएं. फिलहाल इन्होंने जानना चाहा है कि कुछ लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स जैसे कि बैलेंस या डेट फंड्स है वहां पर क्या निवेश कर सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकती हैं, और SIP अमाउंट इनके जो सैलरी है उसको ध्यान में रखते हुए क्या होना चाहिए. तो ज्यादा तो पता नहीं इनके बारे में, सिर्फ इनके सैलरी के आधार पर और इनके गोल के आधार पर आप इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे अपना पोर्टफोलियो सेट करें? देखिए पारुल जी, ये जो आपने 20 साल में 1 करोड़ बनाने का टारगेट सेट किया है ये बिल्कुल अचीवेबल है. आप बिल्कुल 1 करोड़ बना सकती हैं 20 साल में. जैसे कि स्वाति ने कहा कि आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं या नहीं, या बाकी आपके क्या खर्च वगैरह हैं, तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आप अभी ज़ीरो से शुरुआत कर रही हैं, आप पहली बार इन्वेस्ट कर रही हैं. तो जहाँ तक एक कॉर्पस बनाने का सवाल होता है, इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है रिस्क और एक रिटर्न. तो जितना आप रिटर्न जितना आपका बढ़ता जाएगा उतने आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होगी. और रिस्क की जहाँ तक बात करें तो जैसे डेट म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनको कम रिस्की माना जाता है बिकॉज उनमें ज़्यादातर स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट नहीं होता. हालांकि उनमें भी रिस्क होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिस्क फ्री हैं, लेकिन वो अलग तरह के रिस्क होते हैं. तो डेट म्यूचुअल फंड्स की जहाँ तक बात आती है तो आप 6% से 10% तक का रिटर्न पा सकती हैं उनमें, अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं. और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखना चाहें तो उसमें 12 से 15% तक का रिटर्न आप पा सकती हैं, करीब 5-7 साल का अगर आपका टारगेट है उससे ज़्यादा. तो आपने तो 20 साल कहा है तो आप 12 से 15% तक की एक्सपेक्टेशन रख सकती हैं. तो इस हिसाब से आप देखें तो 6% से लेके 15% तक हमने आपको अमाउंट्स बताए हैं, तो 6,500 रुपया पर महीना से लेके 23,000 रुपये पर महीने तक अगर आप सेविंग करें तो आप अपना 1 करोड़ का कॉर्पस पा सकती हैं. अब इसमें आप कितना रिस्क लेना चाहें, किस तरह के फंड लेना चाहें, उस पर डिपेंड करेगा. तो डेट फंड्स जैसे कि मैंने कहा कि वो लो रिटर्न में आएंगे और इक्विटी फंड्स जो हैं वो हाई रिटर्न में आएंगे. तो इस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकती हैं. तो बैलेंस्ड और डेट फंड्स में निवेश कर सकती हैं आप पारुल. लेकिन जैसे अगर हम मान लें किरण कि ये एक नई निवेशक हैं और शी इज जस्ट 31 ईयर्स ओल्ड, अब शायद इनकी कोई ऑब्लिगेशंस आगे वाले आने वाले टाइम में होंगी, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी भी है, उसको लिहाज में ध्यान में रखते हुए क्या इन्हें ऐसे ही फंड्स में निवेश करने की जरूरत है या फिर थोड़ी अग्रेसिव हो सकती है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? स्वाति देखिए, ये जो बात है ये हम सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं इनके पर्सनल फाइनेंस का. जैसे आपने सही कहा कि इनकी और जिम्मेदारियां आ सकती हैं, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, हो सकता है ये अपना बिजनेस शुरू करना चाहें, ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें आ सकती हैं जिनके बारे में हमें डिटेल पता नहीं है. तो जब आप पूरा पर्सनल फाइनेंस स्टडी करेंगे, जब आप एक फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे, तब इस सब की पूरी जानकारी रखते हुए इन्हें सही सलाह दी जा सकती है. तो अभी इन्होंने इतनी जानकारी दी है, इसके बेसिस पर तो हम यही कह सकते हैं कि ये अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन अलग अलग तरह के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं.
और इनकी उम्र सिर्फ 31 साल है, तो अगर हम साधारणतः रिटायरमेंट जो 60 साल पर पकड़ते हैं तो 30 साल का टारगेट है इनके पास कि 30 साल तक ये सेव और इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली ये रिस्क भी ले सकती हैं, इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि इक्विटी फंड्स अगर 10 साल से ज़्यादा आप होल्ड करते हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि वो कभी नेगेटिव रिटर्न दें आपको। तो 10 साल से ऊपर तो इनको बिल्कुल आराम से इक्विटी फंड्स की तरफ देख सकती हैं, तब उनको डेट फंड की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, तो आई एम श्योर पारुल आपको काफी आइडिया हो गया होगा कि अपने गोल को ध्यान में रखते हुए आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना पोर्टफोलियो कैसे सेट करना है। ऑल राइट, अब पुणे से अंजलि का सवाल भी लेते हैं, और इनका सवाल थोड़ा डिफरेंट पारुल से इसलिए है क्योंकि शी इज ऑल्सो इन हर 36 ईयर्स ओल्ड शी इज, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कुछ की हुई है। अब इन्होंने अपने निवेश के बारे में हमें बताया है, पोर्टफोलियो इनका है उसमें एक्सिस म्यूचुअल फंड में 4,000 रुपए का निवेश और रिलायंस टैक्स सेवर में 3,000 का इनका निवेश, तो टोटल 7,000 रुपए का ये निवेश जरूर करती हैं। अब ये जानना चाह रही है, अब मैंने निवेश तो कर लिया लेकिन क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है कि नहीं सही है, अब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू मैं करूं, एक और 1,000 रुपए की SIP करना चाहती हैं जिसमें अच्छा रिटर्न इन्हें मिले, लेकिन इन्होंने गोल अपना नहीं बताया है किरण कि ये किस गोल के तहत अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि आप बताएं कि कोई भी इन्वेस्ट करते टाइम गोल कितना इंपॉर्टेंट होता है सेट करना। आप 7,000 रुपए या 8,000 रुपए आप इन्वेस्ट तो करना चाहती हैं लेकिन कोई गोल ही सेट ना हो तो वो इन्वेस्टमेंट कैसा इन्वेस्टमेंट होगा। स्वाति आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक हम अपना गोल डिसाइड करके फिर इन्वेस्टमेंट ना करें तब तक हमारे मन में हमेशा ये सवाल उठता रहेगा कि मैं इसे कंटिन्यू करूं या इसे निकाल लूं। तो अगर आप उस दुविधा में कभी न फंसना चाहें तो सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि अपना टारगेट बना लें, गोल बना लें कि भाई बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है मैं उसके लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ, या मुझे एक घर खरीदना है 5 साल में तो मैं उसके डाउन पेमेंट के लिए कर रही हूँ। इस तरह के गोल बनाकर आप अगर चलेंगे तब आप सही प्रोडक्ट चुन पाएंगे और उसी हिसाब से आपको ये बार बार सवाल नहीं उठेगा मन में कि मैं बंद कर दूं या मैं कंटिन्यू करूं। जहां तक अंजलि ने जो इन्वेस्टमेंट्स बताए हैं, इनके इन्वेस्टमेंट्स को देख के ये तो लगता है कि पहली चीज़ इनके मन में थी कि इनको टैक्स सेव करना है, तभी इन्होंने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की हैं। तो अंजलि, ये जो आपके टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं ये अगर आपने SIP के जरिए किए हैं तो टैक्स सेविंग वाला फंड जो होता है उसका हर इंस्टॉलमेंट 3 साल के लिए लॉक हो जाता है, तो जो भी आपने इंस्टॉलमेंट्स अभी तक भरे हैं वो 3 साल के बाद ही आप विड्रॉ कर पाएंगी। और दूसरी चीज़, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसको सिर्फ टैक्स सेविंग के नज़रिए से मत देखिए, उसको ये भी देखिए कि आपके लिए वेल्थ क्रिएशन हो रहा है या आपके किसी गोल के लिए आप सेव कर रही हैं। तो अगर उस तरह से आप देखें तो ये जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं ये इनको आप काफ़ी आगे तक चला सकती हैं। तो इनमें दो चीज़ हो जाएंगी, एक आपका टैक्स सेव हो जाएगा, दूसरे आपके गोल के लिए या आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए ये आपको हेल्प करेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये फंड्स आप कंटिन्यू रख सकते हैं। और जहाँ तक आपने एडिशनल जो SIP आप करना चाहती हैं उसके बारे में पूछा है, तो आप एक लार्ज कैप फंड ले लें, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके दो लॉक इन वाले फंड्स हैं, तो एक आप ओपन एंडेड वाला फंड रखिए जिसमें आप पैसा अगर बीच में चाहें तो निकाल सकती हैं। ऑल राइट, एक और दर्शक का सवाल हमारे पास जयपुर से सुष्मिता सिंह जी हमसे जानना चाह रही हैं कि किस फंड में निवेश कर सकती हैं, और कुछ अपने बारे में इन्होंने बताया है कि इनकी एज है 31 साल और मंथली सैलरी इनकी 30,000 रुपए है। अब 10,000 रुपए ये मंथली इन्वेस्ट करना चाहती हैं किसी अच्छे फंड में, और 3,00,000 रुपए की एकमुश्त राशि के निवेश पर भी सलाह चाह रही हैं। तो अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि शायद इन्होंने अब तक कोई निवेश नहीं किया है एंड शी इज अ फ्रेश इन्वेस्टर, इन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए किरण? स्वाति, इनके लिए तो इनके सवाल का मैं दो भाग में जवाब दूंगी। एक जो इनको बोल रही हैं कि 1,00,000 इनके पास 3,00,000 की जो एकमुश्त रकम है वो जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो उसके लिए उनका ऑप्शन ये है कि एक ही बार में वो इन्वेस्ट कर दें। दूसरा उनके पास ये ऑप्शन है कि वो एक लिक्विड फंड में इस पैसे को पार्क कर दें और फिर सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान के जरिए इसको इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र करें। अब जैसे इन्होंने और कोई जानकारी नहीं दी है तो मुझे ये नहीं पता है कि उनको ये पैसा 1 साल बाद चाहिए या 10 साल बाद चाहिए या 20 साल बाद चाहिए। तो अगर उनको उनकी पास ये एक डिसाइड किया हुआ है कि इनको पैसे की कब ज़रूरत पड़ेगी, उनका कोई गोल बना हुआ है, उस हिसाब से फंड सिलेक्शन हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर 3 साल से कम का आपका निवेश का प्लान है तो आप डेट फंड्स की तरफ ही देखिए, इक्विटी में जाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए बिकॉज वो काफ़ी रिस्की हो जाएगा। 3 से 5 साल का समय अगर आपके पास है तो आप इक्विटी और डेट के जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं उन फंड्स में ले सकते हैं जिनमें डेट कॉम्पोनेंट थोड़ा ज़्यादा हो, और 5 साल के ऊपर अगर आपके पास समय है तभी आप इक्विटी की तरफ जाने की कोशिश कीजिए, वरना आप इक्विटी की तरफ अपना रुझान ना रखें तो बेहतर होगा।
और जो 10,000 रुपया इनको मंथली इन्वेस्ट करना है उसके लिए अगर मैं अज्यूम कर लूं कि ये इक्विटी फंड्स की ही बात कर रही हैं तो ये एक लार्ज कैप और एक इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड की तरफ देख सकती हैं। आपने एसटीपी की बात कही, इनके लिए एक मुश्त रकम निवेश करने के लिए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के क्या फायदे होते हैं? जी। देखिए, अगर इक्विटी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्विटी मार्केट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, और काफ़ी कारण होते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और हमें पता नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर इन्होंने आज की डेट में 3 लाख रुपए डाल दिए और कल मार्केट क्रैश हो जाए तो इनको साइकोलॉजिकली काफ़ी धक्का पहुँचेगा कि मैंने आज पैसे डाले और कल कम हो गए। और अगर इनके पास काफ़ी समय है तो वो पैसा उनको वापस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो लॉस में चला गया है, जी बट अगर इनके पास समय कम है तो बहुत बड़ी रिस्क की बात हो जाती है। अब इसमें सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान कहाँ काम आता है कि आप एक साथ पूरा अमाउंट जो है वो मार्केट में नहीं डाल रहे हैं, आप एक फिक्स टाइम पे, जैसे आप हर हफ्ते एक पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफर कर दें या हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफर कर दें, तो उस दौरान अगर मार्केट के भाव में कुछ कमी आती है, अगर जी मार्केट क्रैश होता है, तो आपको यूनिट जो है वो कम रेट पे मिलेंगी, तो उस तरह से आपका फायदा हो जाएगा। ऑल राइट तो आपको फायदा ही होगा, और सुष्मिता उस तरीके से आप बढ़िए अपने इस पोर्टफोलियो की तरफ, तो आपका जो गोल है जो आप अचीव कर सकती हैं वो जरूर आगे बढ़े।